दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एल पारख इंदौर होमियो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। होमियो ज्ञान चैनल एक ऐसी चैनल है जो आपको होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छे से सरल शब्दों में, आसान भाषा में और वर्तमान समय में होने वाले रोगों के बारे में और उनसे किस तरह से निपटा जाए और उनके लिए क्या क्या औषधियाँ या दवाइयाँ जरूरी है, इसके बारे में जानकारी देगी। आज का विषय है हमारा एलर्जी और होम्योपैथी, क्योंकि वर्तमान समय में एलर्जी का रोग हार्ट डिसीज के बाद सबसे बड़ा रोग बन गया है। एलर्जी हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित कर रहा है और हमें पीड़ा पहुंचा रही है। हम ये देखते हैं कई बार कि एक व्यक्ति जैसे ही एयर कंडीशन कमरे में आता है और छींकना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? हम ये भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला आइसक्रीम खाता है तो उसे अचानक रात में उठकर सांस की तकलीफ हो जाती है, वो उठ के बैठ जाता है। कई लोगों में हम ये भी देखते हैं कि उन्हें फलों की खुशबू से या फूलों की खुशबू से उन्हें अस्थमा की तकलीफ या सांस की तकलीफ लेने हो जाती है। अतः ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथ कई तरीके से चिकित्सा करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का उसी पदार्थ से इलाज किया जाता है जिसके द्वारा उसे एलर्जी होती है। अब हम ये देखते हैं कि एलर्जी कितने प्रकार की होती है। एलर्जी में मुख्यतः हम ये देखते हैं कि श्वसन तंत्र की एलर्जी। श्वसन तंत्र की एलर्जी में फीवर, अस्थमा, सर्दी लगना, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस इत्यादि। इसके अलावा हम देखते हैं खाने के पदार्थों द्वारा उत्पन्न एलर्जी। हम एलर्जी के तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि चमड़ी के रोगों के एलर्जी जैसे एक्जिमा, अर्टिकेरिया इत्यादि। लेकिन एक एलर्जी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वह है मौसम के बदलाव से उत्पन्न एलर्जी। जब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की एलर्जी यानी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की एलर्जी की, तो उसमें सबसे पहले हे फीवर का स्थान आता है। हे फीवर एक प्रकार का मौसमी रोग है जिसकी प्रारंभिक अवस्था में जुखाम हो जाता है, आंख एवं नाक से पानी बहता है और इस रोगों में या इस प्रकार के एलर्जी में हम सबसे पहले एलियम सीपा नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्याज का छिलका आंखों में जलन एवं आंखों से में पानी गिरने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ नाक से भी जलता हुआ पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए प्याज से ही बनी हुई दवा एलियम सीपा इसमें खास करके उपयोगी होती है। इसके अलावा एक एम्ब्रोसिया भी दवा होती है जो कि इस प्रकार की हे फीवर की एलर्जी में उपयोगी मानी जाती है। यदि हे फीवर ठंडे वातावरण द्वारा या बरसाती मौसम द्वारा या घने कोहरे वाले वातावरण द्वारा या अचानक मानसून में तब्दीली से हो जाता है तो डलकामारा बहुत ही उपयोगी दवाई मानी जाती है। अब इसी श्वसन तंत्र की एलर्जी में दूसरा स्थान आता है अस्थमा का। अस्थमा का रोग हे फीवर से बड़ा माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हे फीवर के बाद ही होती है। इस रोग में हम ये देखते हैं कि यदि बच्चों में चमड़ी के रोग हो जाए और उसमें बार बार किसी भी प्रकार का मलम लगाकर उन रोगों को दबाया जाए तो बच्चों में जल्दी से अस्थमा की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। वैसे भी बच्चे इस बीमारी को
अधिक आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है, अर्थात वंशानुगत भी हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति की जिस प्रकार की टेंडेंसी हो उसके आधार पर दवाइयों का चयन किया जाता है। अब हम ये देखें कि एलर्जिक अवस्था के लिए आरम ट्रिफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे मरीज में जुखाम में नाक से जहरीला पानी बहता रहता है, जिसमें नाक और आँख के ऊपर एकदम जलन होने लगती है, उसके ऊपर का होंठ छिल जाता है और ऐसे मरीज हमेशा नाक को जब तक खोजता रहता है जब तक कि उसके नाक से खून न निकलने लग जाए। यह मरीज होठों को भी काटता रहता है। यदि हम देखते हैं कि अस्थमा का प्रभाव मध्य रात्रि को होता है, अर्थात मिडनाइट एग्रवेशन होता है, तो हमें मालूम है कि उसकी मुख्य दवा आर्सेनिक होती है। आर्सेनिक का मरीज हम सभी देखते हैं, सभी जानते हैं कि वो कितना सलीकेदार होता है, कितना एग्जैक्टनेस पे वो चलता है, उस वो एक व्यवस्था वाला व्यक्ति होता है। उसको हर काम व्यवस्थित समय पर और सुचारू ढंग से करने की आदत होती है। यदि ये सिम्टम मिडनाइट एग्रावेशन के साथ अगर मिल जाए तो हमारी आर्सेनिक दवा कन्फर्म हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण से अस्थमेटिक प्रॉब्लम कैसे हो रही है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में स्मोक की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, कितनी एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ रही है कि दिल्ली वासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो वायु प्रदूषण से एलर्जी होती है उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें नाक से धीरे धीरे पानी टपकने लगता है और गला बैठ जाता है। और इस प्रकार की एलर्जी के लिए सबसे मुख्य दवा अगर कोई होती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है। अब हम ये भी देखें कि खाने के पदार्थों के द्वारा एलर्जी का उत्पन्न होना, होम्योपैथी दवाइयाँ खाने के द्वारा उत्पन्न होने वाली एलर्जी में भी बहुत अच्छा काम करती है। हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति मक्खन, गोभी, चर्बीदार चीज़ें, मांस, केक, प्रोटीन एवं अधिक घीदार चीज़ें अगर खाता है और उन्हें कोई तकलीफ होने लगती है तो उनके लिए सबसे मुख्य दवा पल्सटीला मानी जाती है। किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो जो किसी भी व्यक्ति ने कभी खाया नहीं हो और उससे पहली बार खाया, पहली बार उसका सेवन किया हो और उसे किसी भी प्रकार की पेट की समस्या हो जाए, शरीर के किसी अन्य भाग में कोई समस्या हो जाए, चमड़ी की समस्या हो जाए, किसी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाए तो उसकी मुख्य औषधि पल्सटीला होती है। कई लोग हम देखते हैं हमारे पास आते हैं कि साहब हम गाजर खाते हैं यानी कैरोट तो उससे हमें समस्या होने लगती है। अब बताइए, ये तो एक कुदरती पदार्थ है लेकिन फिर भी उनको तकलीफ होती है तो उनके लिए लाइकोपोडियम और कैल्केरिया कार्प मुख्य दवा मानी जाती है। आज खाद्य पदार्थों में हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दालों से तकलीफ हो रही है। दालों की तकलीफ वालों के लिए भी ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम और पल्सटीला बहुत अच्छी दवाई समझी जाती है। ब्रेड खाने से भी कई लोगों को समस्या हो रही है। ब्रेड खाने वालों को यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ ब्रायोनिया और पल्सटीला का उपयोग किया जाना चाहिए। छाछ पीने से अर्थात बटर मिल्क भी कई लोगों को सहन नहीं होता है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्रायोनिया और पल्सटीला मुख्य दवाई मानी जाती है। यदि दूध पीने से पित्त उछलने लगती है या शरीर पर दाफड़ होने लगते हैं जिसको हम अल्टिकेरिया कहते हैं तो उनके लिए अर्टिका यूरेंस मुख्य दवा होती है और इसका उपयोग करना चाहिए। अंडे खाने से भी कई लोगों को एलर्जी की समस्या हो रही है। ऐसे लोगों के लिए फेरम मेटेलिकम नामक दवा का उपयोग किया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मांस के शौकीन होते हैं,
और वो पका मांस खाते हैं, और पका मांस खाने से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होने लग जाए तो उनके लिए सल्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। चीनी या केन शुगर या मीठे पदार्थ खाने से यदि शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ होने लग जाए तो उनके लिए सेक्रम ऑफिसिनेलिस दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोरी शक्कर का इस्तेमाल करते हैं और बार बार बीमार होते रहते हैं, उन्हें सर्दी जुकाम होगा, उन्हें कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी या उनके व्यवहार में कोई बदलाव होने लगता है, तो उन्हें भी सेक्रम ऑफिसिनेलिस दी जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति हम देखते हैं कि वो यदि केला खा लेता है तो उसे कोई चमड़ी पे लाल रंग के दाने उभर आते हैं, दूसरा व्यक्ति यदि फिर केला खाता है तो उसे खांसी आने लगती है, उसे सर्दी होने लगती है, कोई और व्यक्ति जो केला खाता है और उसके मान लो सिर में दर्द होने लग जाता है कि हम, और पेशेंट बोलता हमें केले से ये प्रॉब्लम होती है। पेशेंट अलग अलग है, समस्या अलग अलग है, लेकिन केले से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दवा है तो वो है रूमेक्स। पर रूमेक्स की खासियत ये होती है कि उसका व्यक्ति जब भी सोता है तो अपना मुंह ढक कर सोता है, वो कंप्लीट अपने को कवर करता है, वो किसी भी तरीके से हवा को अंदर आने से रोकता है। और देखिए चमड़ी की एलर्जी में हम ये देखते हैं कि अर्टिकेरिया, जिसमें कि चमड़ी पे लाल लाल उद्भेद उत्पन्न हो जाते हैं, कई लोग लोहा उसके ऊपर घसते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ होती है, खास करके रस्टॉक्स, एपिसमेल या अर्टिका यूरेंस इसके लिए मुख्य दवाई मानी जाती है। एक्जिमा बड़ों की अपेक्षा बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये आसानी से हो जाता है। एक्जिमा कई लोगों में ऐसा भी होता है कि दूध से, गेहूं से, अंडे खाने से भी हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हम यदि पल्सेटिला दवा का सेवन करवाएं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को बहुत ज़्यादा तन्मयता से करते हैं, बहुत दबाव में जीते हैं और अपने काम के लिए क्रेजी हो जाते हैं, और जब काम के लिए क्रेजी हो जाते हैं तो वो खाने पीने का समय भूल जाते हैं, समय पर किस चीज़ का सेवन करना है वो भूल जाते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे एलर्जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बड़ी ही होम्योपैथी की विशेषता है कि ऐसे लोगों को जो कि अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित, काम के प्रति समर्पित, काम में डूबे हुए, जिनको अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता है, और उनको अगर खाद्य पदार्थों से एलर्जी होने लग जाए तो काली फास इसके लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यदि स्किन एलर्जी में गर्म से अच्छा लगता है तो हमें सभी को पता है कि आर्सेनिक का उपयोग बहुत ज़रूरी है और उससे काफ़ी फायदा भी होता है, लेकिन यदि ठंडे पेय पदार्थ, कॉफ़ी, छाछ या चॉकलेट ली जाए और उससे एलर्जी हो जाए तो उसके लिए नक्स ओमेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। इसी प्रकार अल्कोहल लेने पर यदि कोई तकलीफ होने लग जाती है तो कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा को, कार्बोवेज का स्थान प्रमुखता से है। अब हम देखते हैं कि मौसम के बदलाव से होने वाली एलर्जी, मौसम के बदलाव से होने वाली एलर्जी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है डलकामारा का। सुबह के समय एवं स्थिर रहने पर होने वाली एलर्जी के लिए एमोन कार्ब एवं रस्टॉक्स मुख्य औषधियाँ हैं। सुबह एकदम से छींकें आने लग जाती हैं, नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी आने लगता है, तो एमोन कार्ब बहुत ज़्यादा जरूरी दवा मानी जाती है। और ख़ास करके इसमें वो लोग प्रभावित होते हैं, अमोन कार्ब वाले, जिनका अपने पिताजी से
या अपने फादर से रिलेशन अच्छा नहीं होता है, ये एक मुख्य बात है। इसी प्रकार अन्य दवाई भी एलर्जी के लिए उपयोग में आती है, जैसे सेबेडिला जिसमें लगातार छींके बनती है, स्टिक्टा, लेकेसिस, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, थायराइडिनम, नेट्रम्यूर, अर्जेंटिनम नाइट्रिकम इत्यादि। अतः ये बात निश्चित है कि होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा किसी भी प्रकार की एलर्जी का लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा सकता है। यह चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसमें रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। शर्त यह है कि दवा का चुनाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा यह टॉपिक एलर्जी और होम्योपैथी, जिसका प्रथम भाग यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके दूसरे भाग में हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे, और उसके बाद तीसरे भाग में हम अस्थमा के ऊपर जोर देंगे, अस्थमा के बारे में कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।